यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार गंभीर है और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेज रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने निवेश को लेकर मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना का दौरा किया था। वापसी पर संजय निषाद ने कहा कि यूपी में निवेश का जिस तरह का माहौल बना है उसकी वहां सराहना की गई और निवेश की इच्छा जताई है। इन तमाम मुद्दों पर एमकेएन न्यूज के संवाददाता अविनाश कुमार ने मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार गंभीर है। सरकार के सभी मंत्री विदेश दौरे गए थे। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बातचीत करने हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री। कैसा रहा विदेश दौरा? ये हम लोग भारत का और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गए थे, क्योंकि पहले की सरकारें उदासीन और गलत नीतियों की वजह से माहौल बहुत ख़राब था। इसके वजह से भारत के खुद के इन्वेस्टर दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर लिए, तो हमें जाकर इस बात को प्रदर्शित करना था, इस बात को रोड शो में बताना था कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के लायक हो चुका है। गुड गवर्नेंस है, वन विंडो सिस्टम है, हमारी बिजनेस पॉलिसी है, इजी गोइंग बिजनेस है और आज भय मुक्त वातावरण है। इसलिए अब जो इन्वेस्टर हमारे देश के दूसरे देश में गए थे वो खुद अब भारत में अपना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। उनके साथ और भी विदेशी, चाहे वो फिशरी सेक्टर के हों, चाहे डेयरी सेक्टर के हों, चाहे इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर के हों, चाहे आईटी सेक्टर के हों, चाहे शुगर के हों, चाहे एथनॉल के हों, हर सेक्टर के व्यापारियों से बात हुई और उन लोगों ने बड़ी सराहना की यहाँ के नेतृत्व की और यहाँ के माहौल की। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है, जो विधानसभा का परिदृश्य आया है कि अब पहले क्या था अब क्या है, पहले अब डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, पीएचडी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं। ये आज के दिन में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का प्रदेश है, तो आज के दिन में इस माहौल की वजह से सारे इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और जो मेरा लक्ष्य है 1 ट्रिलियन का वो पूरा होगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।